सबसे पहले बात आज जम्मू कश्मीर के तलबा की करेंगे, उन नौजवानों के लिए जो इस बात पर क्लेरिफिकेशन पूछ रहे थे कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहान कब होंगे। तैयारियां सितंबर अक्टूबर की चल रही थी, लेकिन इस पर जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि मुल्क के साथ नई तालीमी पॉलिसी के तहत 2020 में जिसका ऐलान मरकजी वजीर की तरफ से किया गया था, रमेश पोखरियाल की तरफ से, वजीर आजम ने इसको हरी झंडी दिखाई थी और इसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी तैयारियां की गई। ऑफिशियली आप देखेंगे तो पूरे मुल्क के अंदर ये लागू हो चुकी है और अब इसके तहत काम भी शुरू हुआ है। और उन तमाम नौजवानों के लिए जो 10वीं और 12वीं जमात के तालबिल में आगे जाने का सोच रहे हैं, इम्तिहानात के बारे में सवालात कर रहे थे, उनके लिए कुछ क्लेरिफिकेशन आई है, पहले जरा वो आपको बताते हैं। चलिए जनाब, खबर आपको बता ही देते हैं। आपके टीवी चैनल पर इस वक्त चल ही रहा है कि बोर्ड हुकाम और रियासती इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है कि अब मार्च सेशन होगा। ये हकीकत है, अब अफवाह नहीं बल्कि हकीकत के साथ ये खबर सामने आई है कि बाज़ाब्ता तौर पर रियासती इंतजामिया ने इस बात का फैसला लिया है कि एकेडमिक सेशन अब मार्च हुआ करेगा और जो सालाना इम्तिहान पहले दिसंबर असम्बल लिए जाते थे उनको ख़त्म करके अब मार्च में लेने की बात कह दी गई है। और सबसे बड़े ओहदे पर तैनात प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन का बड़ा बयान इसमें वजाहत के साथ सामने आया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पहले ही इस बात की वजाहत कर दी थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इतलाक पूरे मुल्क के अंदर हो गया है और रियासत के अंदर आला तालीम हो या फिर प्राइमरी लेवल हो या नीचे वाली लेवल हो, मिडिल लेवल हो, हर जगह पर कौमी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा और इम्तिहानी शेड्यूल को उसी तरीके से तरतीब दिया जाएगा जिस तरीके से मुल्क भर में इम्तिहानात लिए जाते हैं। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अब बाज़ाब्ता तौर पर एकेडमिक सेशन को तब्दील करने का ऐलान कर दिया है और साफ कर दिया है कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है और अब रवा साल से ही मार्च का सेशन शुरू किया गया है। और ये बात भी साफ कर दी गई है कि जहां बोर्ड इंतजामिया तैयार है वहीं पर कश्मीर यूनिवर्सिटी यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इस सिलसिले में पहले से ही गियर अप हो गया है। गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि एक फैसला लिया है साल 2022 के सालाना इम्तिहानात को लेकर 10वीं और 12वीं जमात जो इम्तिहान होंगे वो होंगे साल 2023 में, यानी 22 के एंड में नहीं बल्कि 23 के अंदर होंगे। पहले ये नवंबर दिसंबर 22 में हुआ करते थे, अब ये मार्च 2023 में होंगे इसकी वजाहत कर दी गई है। यानी नवंबर दिसंबर 2022 का जो सेशन हमारा होता था उसे ख़त्म कर दिया गया है और मार्च 2023 सेशन को इंक्लूड कर दिया गया है। यानी मार्च सेशन जो होगा इसी साल से होगा। आपको याद होगा कि चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने अप्रैल के महीने में जब रिव्यू लिया था तो उसी वक्त इस बात का खुलासा पेश किया था कि कौमी एजुकेशन पॉलिसी बापते साल 2020 जो पूरे मुल्क के अंदर राइज कर दी गई है उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगा और इस सिलसिले में करंट सेशन तब्दील करने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। और ये भी साफ कर दिया गया था कि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर को मुतारफ कराया जाए, यानी अगर यहां पर बच्चा 10वीं पास करता है और उसने 11वीं 12वीं के लिए दिल्ली आना है, पंजाब आना है, हिमाचल जाना है, किसी भी रियासत में जाना है तो उसका टाइम जाया ना हो, उसका कोई भी दिन जाया ना हो, इस तरीके का मैकेनिज्म अडॉप्ट जो है वो किया जाए। और उसी मीटिंग का असर ये है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सबसे पहले अपने एकेडमिक कैलेंडर में तब्दीली लाई और उनकी तरफ से जो एकेडमिक सेशन जुलाई था उसको करंट ईयर से तब्दील कर दिया गया है। और इसी तरीके से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट SED जिसे आप कहते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी अपना एकेडमिक कैलेंडर जो है वो उसी तरीके से तब्दील कर दिया जिस तरीके से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कर दिया है ताकि कोई टकराव और तनाव जो है वो बीच में ना हो। सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि सबसे पहला इम्तिहान 10वीं का है, उसके बाद 12वीं का है जो दिसंबर में हुआ करता था, अब यह दिसंबर में नहीं होगा बल्कि मार्च 2023 में होगा और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। यानी जो पिछले कई दिनों से आप लोग हमसे पूछ रहे थे फोन कॉल्स के जरिए से, दीगर चीजों के जरिए से, फेसबुक पर पूछा जा रहा था कि क्या एकेडमिक कैलेंडर चेंज हुआ है, तो जी हां नाज़रीन, एकेडमिक कैलेंडर चेंज
चेंज हो गया है। सेक्रेटरी एजुकेशन का बड़ा बयान सामने आया है, कहा कि हायर एजुकेशन में भी तब्दीलियां लाई गई हैं और हमारे जो प्राइमरी सेटर जो हमारा स्टेट एजुकेशन है यानी 10वीं 11वीं 12वीं इसमें भी तब्दीलियां लाई गई कि यही इम्तिहान जो है वो बोर्ड में लिए जाते हैं, इसमें टकराव ना हो तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और नवंबर दिसंबर सेशन अब खत्म, नया सेशन जो होगा वो मार्च 2023 होगा यानी मार्च में ही इम्तिहान लिए जाएंगे। तो ये वजाहत है जी उन तमाम बातों की जो पिछले कई दिनों से आप हमसे बता रहे थे। ये भी पूछा जा रहा है 6, 7, 8, 9 इस पर फिलहाल तो कोई अपडेट है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि दो क्लासेस का जो ऑलरेडी हमने आपको खबर बताई थी आज उसकी तस्दीक खुद डिपार्टमेंट ने कर दी, पहले बोर्ड ऑफिशियल से या जो हमारे जराये थे बोर्ड के अंदर उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था, अब सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, तरह तरह का रद्दअमल आ रहा, लेकिन बाकी क्लासेस का फिलहाल शायद इस पर क्लियर नहीं। बाकी तो उसमें ज्यादा मैटर नहीं करेगा ना, जब आपने 10वीं और 12वीं का कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका सब दिसंबर वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा, वो सारा मार्च में चला जाएगा, लेकिन ये बड़ा इम्तिहान इस पर सबका फोकस रहता है और यही वजह थी कि चूंकि इम्तिहान पास पास में थे तो ये वजह बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से सामने रखी गई है। चलिए जनाब ये तो एक बात थी जो हमने आपको तालीम के हवाले से बताई और